नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा आज का प्रश्न है आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है रतलाम, ग्वालियर, मंदसौर या सिंगरौली। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा और इस मेमोरियल में क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगेंगी। नेशनल वार मेमोरियल, जिसे राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहते हैं, यह नई दिल्ली में स्थित है। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है और इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहल पर निम्न में से किस दूध सहकारी संघ और आईटीआई के बीच समझौता हुआ है। हमारा ऑप्शन है इंदौर दूध संघ, उज्जैन दुग्ध संघ, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहल पर सहकारी दुग्ध संघ इंदौर और उज्जैन एवं आईटीआई के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना में 5 माह का सिद्धांतिक अध्ययन करवाया जाएगा और दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड इसी वर्ष प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो हमारे ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी की ऑफ एक्सलेंस की फेंसर प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और प्रज्ञा सिंह अब तक राष्ट्रीय स्तर पर करीब 11 से अधिक पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर किस जिले में तैयार किया गया है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। भारत सरकार की सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीनेशन सेंटर का चयन किया गया है और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर है। इसमें करीब 32 सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके माध्यम से 15 किलोवाट ऊर्जा पैदा होती है और इसी से इसे चलाया जाता है। इस सेंटर में 40 लाख डोज सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई है और देश का पहला किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में खोला गया था। यह खोला गया था 2021 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 4 हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया है। हमारा ऑप्शन है श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री ओम प्रकाश सकलेचा या श्री विश्वास सारंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 10 करोड़ 70 लाख की लागत से 4 हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया है और इनका उपयोग कहां होगा, तो नदियों के पास दोहरा स्ट्रेटरा होता है, जहां इन कॉम्बिनेशन मशीनों के माध्यम से ही नलकूप खनन का कार्य किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के 27 ऐसे जिले हैं जिनमें रेतीली जमीन पाई जाती है, जिनके कारण वहां नलकूप खनन में कठिनाई होती है। अब वहां पर इन हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिल मशीनों के माध्यम से नलकूप खनन किया जाएगा। अब हम करेंगे 18 अगस्त 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। किस जिले की सुश्री कल्पना गुर्जर ने 7वीं विश्व ब्रिज स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खरगोन। किस जिले की भावना डहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है।
किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया है? तो ये फहराया गया है रतलाम में। तो ये हमारे पिछली वीडियो का प्रश्न का उत्तर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा कारंग बांध किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खरगोन में। ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।